पशु चिकित्सक की लापरवाही के गाय की मौत, बजरंग दल का प्रदर्शन। छर्रा में गोवंश की मौत के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर क्या पूछा। बता दें, पिछले दिनों गायों के बीमार होने की सूचना देने के बाद भी पशु चिकित्सक ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और गाय की मौत हो गई। इस संबंध में वीडियो को ज्ञापन देने के बाद भी चिकित्सक पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर अपना रोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंप कर अल्टीमेटम दिया। प्रदर्शन करने वालों में बजरंग दल, हरिगढ़ के जिला संयोजक बजरंगी बॉबी चौधरी, प्रखंड संयोजक शांति प्रसाद, शरद कुमार, योगेश कुमार, करण चौधरी, सोनू चौधरी, दिनेश कुमार, किशन कुमार, सोनू, देवेश कुमार, जीतू कुमार, बंटी, राजेश कुमार, जगवीर सिंह बजरंगी, देवेश चौधरी, सत्यवीर सिंह चौहान, अखिलेश सिंह, गंगाराम, लोकेंद्र कुमार, बबलू कुमार, प्रमोद कुमार, अस्तर उपाध्याय, सुखदेव, अभय उपाध्याय, गुप्ता, पार्थ कुमार, आरव, गजेंद्र चौधरी, जालिम सिंह, पिंकी सैनी आदि। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर्य की रिपोर्ट। साथियों नमस्ते। आइए, यहाँ गाय को लेकर के यहाँ बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं या कुछ हिंदूवादी संगठन के लोग हैं जो उन्होंने आकर के यहाँ ब्लॉक पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उनसे अब हम पूछते हैं कि ये क्या मामला है गाय का। तो मेरे साथ में यहाँ संयोजक, आइए हम उनसे बात करते हैं। मैं कहूँगा कैमरामैन साथी से, वो साथ आए यहाँ और बताएं। भैया जी, मैं पहले आपका पद और परिचय जानना चाहूँगा, क्या मामला है। बॉबी चौधरी, जिला संयोजक बजरंग दल। ये क्या मामला है? ये मामला ये है कि आज से 6 दिन पूर्व एक गौ माता पीड़ित थी, काफ़ी समस्या थी उसको। तो मैंने उन डॉक्टर साहब को सूचना दी थी, यहाँ के संबंधित पशु चिकित्सक हैं। 6 दिन पहले सूचना दी, उसके बावजूद भी संबंधित डॉक्टर ने वहाँ पर किसी को ना तो भेजा और ना ही उस पर कोई कार्रवाई की। लेकिन उस गौ माता के लिए जो गाँव का ही एक निजी डॉक्टर हैं उनको दिखाया, तो उनके द्वारा सूचना दे दी गई। उन्होंने कहा मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी संबंधित डॉक्टर ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हम आकर के परसों वीडियो साहब और डॉक्टर दोनों से हम मिले, तो वीडियो साहब ने हमें आश्वासन दिया, जो जॉइंट वीडियो है यहाँ के, उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं उन संबंधित गौ माता को आश्रय स्थल पहुँचवा दूंगा। लेकिन वहाँ से भी कोई व्यक्ति वहाँ नहीं पहुँचा, लेकिन कल आकर के गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए। तो डॉक्टर और वीडियो साहब की लापरवाही की वजह से एक गौ माता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी 31 दिसंबर तक सभी छुट्टा गोवंश को गौशाला पहुंचाने का जो आदेश दिया था, ना तो उस पर कोई कार्य हो रहा है। और आज भी गौ माताएं रोड पर विचरण कर रही हैं, रोड पर घूम रही हैं, जिससे आने जाने वालों को समस्या होती है, दुर्घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं और किसानों को भी समस्याएं हो रही हैं। तो साथियों, अब आपने ये सुना, जो बजरंग दल के ये जो यहाँ जो संयोजक हैं उन्होंने यहाँ बताया कि गौ माता को किस तरह से प्रताड़ित किया जाता है और ब्लॉक स्तर से कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। आज ये मैं समझ रहा हूँ कि सैकड़ों की तादाद में ये बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं यहाँ करके अब ये जयघोष कर रहे हैं। तो यहाँ डेली न्यूज़ के लिए अलीगढ़ से मैं राजपाल सिंह आर्य। जय श्री राम। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं एडीआईएसपी महेश चंद्र शर्मा जी, ये गंगेरी ब्लॉक में उपस्थित है सर जी। तो ये एक प्रार्थना पत्र इन्होंने दिया है बजरंग दल वालों ने छुट्टा गाय को लेकर जी। तो इन्होंने का समस्या है कि आवारा जो पशु है गोवंश लोग छोड़ देते हैं। तो ये 2-3 गाँव की समस्या इन्होंने बताई कि पशु चिकित्सा अधिकारी को भी ये अपना आवेदन दे चुके हैं कि वो कार्रवाई नहीं हुई कुछ। तो आज ये भारी संख्या में आए, इनका प्रार्थना पत्र हमने ले लिया है और ये वीडियो महोदय को हम देंगे और यहाँ से जो है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है। ये प्रार्थना पत्र इसमें जो है धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। बस भैया, मैं पहले तो आपका पद और परिचय जानना चाहूँगा, साथ में ये क्या मामला है जो आप ये और कहाँ आए हुए हैं आप इस समय? जी, मेरा नाम ऐश्वर्य है और मैं बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ। और अभी हम वीडियो साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो गौ माताओं की दुर्दशा प्रशासन के कारण हो रही है, तो उनका ध्यान उस ओर आकृष्ट हो। तो हम इसके लिए यहाँ जिलाधिकारी जी के लिए वीडियो साहब के माध्यम से ज्ञापन प्रस्तुत करेंगे
और एक लिस्ट भी ऐसे लगभग 15 गांव की लिस्ट हम देंगे यहाँ पर, जहाँ पर यहाँ के कार्यकर्ता यहाँ आए हैं और उन्होंने हमें शिकायत की है, तो हम उन गांव के गांव प्रमुख और उस गांव में के जो कितने गौवंश हैं उसकी भी सूचना देंगे और हम निवेदन करेंगे कि अतिशीघ्र इस पर कार्रवाई हो। हम सभी कार्यकर्ता इस निमित्त यहाँ उपस्थित हैं। हम और ये जानना चाहेंगे कि अभी तो आप ये 4 या 5 गांव की समस्या को लेकर के आए, इस ब्लॉक में तो 80 ग्राम पंचायतें हैं और छुट्टा गौवंशों से लोग परेशान हैं, तो उसके लिए तुम सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? जी सर, हमारा ऐसा अभियान है, हम लगभग हमारे कार्यकर्ता हरेक गाँव में है, तो धीमे धीमे जो जो लोग हमारे पास अभी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो यहाँ आएंगे, सबकी सूचना यहाँ देंगे। और हमने बजरंग दल की तरफ से हरेक गाँव का एक प्रमुख बनाया है जो प्रशासन की सहायता करेगा, अगर प्रशासन तैयार है तो हम तैयार हैं कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए। पूरे ब्लॉक में जितनी भी गौवंश हैं उनके लिए कार्यकर्ता हमारा बजरंग दल की टीम उपस्थित करवाएगी, और अगर प्रशासन तैयार है तो। नहीं, अब देखिए, अभी आपके जो वो थे, आपके संयोजक जी बता रहे थे कि गाय कुछ लोगों की लापरवाही के कारण गाय ने अपना शरीर त्याग दिया, तो ऐसे में आप लोग आक्रोशित हैं, यहाँ ब्लॉक पर आए हैं, तो ये जो अधिकारी अगर नहीं सुनते हैं तो उनके लिए आप क्या करेंगे अधिकारियों द्वारा? जी, अभी हमारा हमने हमारे जो संयोजक जी हैं उन्होंने 15 दिन का उन्हें अल्टीमेटम दिया है, अगर 15 दिन के अंदर अगर कार्रवाई उचित कार्रवाई नहीं की जाती है तो बजरंग दल यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना इस छर्रा ब्लॉक पे करेगा। चलिए, आपने डेली न्यूज से बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।